मैनपुरी थाना कोतवाली के सामने लगी यह भी किसी सड़क हादसे को देखने के लिए नहीं है। हालांकि यहां एक सड़क हादसे का डेमो दिखाया गया है। यातायात पुलिस की ओर से आयुर्वेद कार्यक्रम के तहत एक सड़क दुर्घटना का डेमो दिखाया गया है। यह तस्वीरें डेमो की हैं। यहां क्षेत्राधिकारी नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप और यातायात पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में आई रेड डेमो का आयोजन किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना रद्द दिखाया गया है। आई रेड के माध्यम से अब प्रत्येक सड़क दुर्घटना का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। प्रत्येक थाना क्षेत्र में आज रेड के लिए एक समिति का गठन भी किया गया। पूरे जनपद के आई रेड का प्रभारी क्षेत्राधिकारी नगर अभय नारायण को बनाया गया है, जिन्होंने पूरी जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, अगर आप भी सुनिए। वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रायोजित है और NIC जो हमारी है उनके द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। ये इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डिवाइसेस के तौर पर एक ऐप जनरेट किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जहाँ कहीं भी ये रोड एक्सीडेंट होते हैं उस रोड एक्सीडेंट की डिटेल्स उसमें हम लोग फुलफिल कर देते हैं, फोटोग्राफ्स खींच देते हैं, जिससे तरह तरह की जो एनालिसिस होती है कि रोड एक्सीडेंट या सड़क दुर्घटनाएं किन कारणों से होती हैं उन कारणों का बेहतर विश्लेषण इसमें स्वतः कर लिया जाएगा और जो संबंधित डिपार्टमेंट की कमजोरी या उनकी खामियों की वजह से ये सड़क दुर्घटनाओं की बारंबारता बढ़ती है उनको स्वतः निर्देश दे करके और उन कमियों को दूर कराया जा सकता है। ये भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में जान और माल की सबसे अधिक क्षति हो रही है। इसको हम लोग चाह करके चाहें तो बचा सकते हैं और इसी प्रयास के तहत ये एक ऐप जनरेट करके भारत सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को हम न्यूनतम कर सकें।